जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उपकार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कारक। कारक से यूपीपी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग बहुत कम समय में देखेंगे कि कारक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कारक कितने होते हैं। पिछली परीक्षाओं में कांस्टेबल की कारक से क्वेश्चन बने थे, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन आज का जो पैटर्न है उनका पूछने का है वो लैंग्वेज में दे देते हैं और कहीं पे कारक कोई लगा देते हैं तो वहाँ पूछ लेता है इसमें से कौन सा कारक होगा। तो कारक कैसे बनते हैं देखते हैं। कारक सबसे पहले देखेंगे कारक कितने होते हैं। तो कारक आप जानते हैं 8 होते हैं। कारकों की संख्या पूछी जाए सीधे से तो आप बता देंगे 8 होते हैं। 8 कौन कौन होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, रारी रे अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो, ठीक है। ऐसे करके कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कर्ता विभक्ति क्या होती है, ने। कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। इसका तात्पर्य क्या है, जो क्रिया संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो क्रिया संपन्न करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जांपल जैसे देखा जाए, राम ने लिखा, आया ना ने, तो राम ने लिखा, राम लिखता है। कभी कभी नहीं दिखेगा कारक, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा कारक है। तो यहाँ कह रहा राम ने लिखा और कह रहा राम लिखता है। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। कर्म कारक, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, राकेश गगन को चूमता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राकेश गगन को चूमता है। अगला है इसी में एग्जाम्पल, मोहन ने श्याम को मारा। एक चीज याद रखना, कभी कभी एक उसमें 2 या 3 कारक आ जाते हैं, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको सबसे अंतिम वाले कारक को वरीयता देंगे। जैसे यहाँ पे राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ 2 कारक आ गए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें दूसरे वाले को वरीयता देंगे, को देंगे। कर्ता ने कर्म कारक कहेंगे तो अंतिम वाले को वरीयता दिया जाता है। जैसे आता है राम ने रावण को मारा, तो अंतिम वाले को वरीयता देते हैं। राम ने रावण को मारा तो अंतिम वाले को वरीयता देते हैं। अगला है इसी में, अगला क्या कह रहा है, अगला है कर्ण कारक। क्या है, करण कारक है। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से द्वारा। क्या होता है, से द्वारा। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, करण में से द्वारा। देखेंगे जैसे, जिससे क्रिया संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, रमेश गेंद से खेलता है। क्या कह रहा है, रमेश गेंद से खेलता है। अगला है राम बॉल खेलता है। यहाँ पे से दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन आपको समझना होगा खेल रहा तो किसी चीज से खेल रहा है, किस चीज से, बॉल से खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। अगला आता है संप्रदान कारक। क्या आता है, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के लिए क्या विभक्ति होती है, के लिए। संप्रदान के लिए क्या होती है, के लिए विभक्ति होती है। जब कार्य किसी दूसरे के लिए किया जाए, होता क्या है, जब कार्य किसी दूसरे के लिए किया जाता है तो वहां संप्रदान होता है। जैसे राजा गरीब को दान देता है, तो अपने लिए ना कार्य करके किसी दूसरे को दिया जाए, दूसरे के लिए किया जाए, तो वहां क्या होता है, संप्रदान हो जाता है। दान की बात जहां पे आए, संप्रदान, वहां संप्रदान, महादान, संप्रदान महादान। देखेंगे राजा गरीब को दान देता है। अगला है
अपादान, काफी पूछा जाता है अपादान से अलगाव, अपादान क्या होता है से अलगाव। तो यहाँ पे आता है किसी मूल से किसी रूप को अलग करना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे डर लगे, भयावह की स्थिति हो, ठीक है, एक दूसरे से दूरी बनने का है, सुंदरता की तुलना की जाए, भिन्नता बताई जाए, राम मोहन से सुंदर है, तो इस प्रकार के जब चीजें आपको मिलेगी वो अलगाव की बात करता है, भिन्नता की बात करता है, तो अपादान हो जाता है। और अपादान से काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बनता है बच्चा छत से गिरा, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बच्चा जो था छत से गिरा तो क्या हुआ, छत से वो अलग हो गया। जैसे ही अलगाव की बात करता है तो वहां क्या हो जाता है, आपका अपादान हो जाता है। अगला है इसमें संबंध। संबंध क्या होता है, संबंध में होता है का की के रा रे रे, ऐसे शब्द मिलेंगे तो वहां बताएंगे संबंध होता है किसी का आधार। जैसे विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है, क्या होता है, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा संबंध, ठीक है, संबंध हो जाएगा, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी संबंध नहीं होगा इसमें, वह राम की साइकिल, संबंध तो नहीं होगा इसमें, तो विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है तो ये हो जाएगा अधिकरण, ठीक है, सॉरी अधिकरण हो जाएगा, तो वह राम की साइकिल मतलब इंगित किया जाएगा कि संबंध बताया जाए, वह राम की साइकिल है, वह कुर्सी विकास की है, यह पुस्तक मेरी है, तो कह रहे हैं संबंध एक तरीके से स्थापित किया जा रहा है कि यह चीज हमारी है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण क्या है, अधिकरण में मे पर आता है, अधिकरण क्या आता है, मे पर, जैसे किसी का आधार, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अधिकरण। और अधिकरण में एक चीज और होती है, यदि समय का निर्धारण कर दिया जाए, ठीक है, यदि समय का निर्धारण कर दिया जाए तो भी क्या होता है, अधिकरण। जैसे कह दिया जाए राम 6 महीने बाद आएगा, क्या कह दिया जाए कि राम 6 महीने बाद आएगा, तो यहाँ भी अधिकरण हो जाएगा। तो याद रखना, जब समय का निर्धारण कर दिया जाए तो वहां पे क्या होता है, अधिकरण हो जाता है। अगला है संबोधन। संबोधन में क्या आता है, संबोधन हे अरे ओ ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पे संबोधन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी को उपनाम से बुलाया जाए, क्या होता है, जब किसी को उपनाम से बुलाया जाए तो वहां क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, संबंध कारक होता है जब किसी को उपनाम से बुलाया जाए। तो देखेंगे हे भगवान नौकरी दिलवा दो, क्या होता है, हे भगवान नौकरी दिलवा दो, वाह क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं संबोधन के। तो एक बार फिर से देखेंगे पुनः, कारक कितने होते हैं, तो कारक बताएंगे 8 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ओ, इतने 8 होते हैं ये कारक। तो कारक कितने हो गए, 8, कौन कौन हो गया, कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, करण से हो गया, संबंध संप्रदान के लिए हो गया, आपादान से अलगाव हो गया, संबंध काकी के रारी रे हो गया, अधिकरण में पर हो गया, और संबोधन हे अरे हो गया। तो इसका एग्जाम्पल जैसे अगर राम ने लिखा, राम लिखता है, ठीक है, सब हो जाते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कौन सा, ये आपका काफी पूछा जाता है संप्रदान, संप्रदान के लिए, दान की बात आती है, राजा गरीब को दान देता है, राजा गरीब को वस्त्र देता है, इस प्रकार की जब आए तो आप बताएंगे दान की बात आता है। और एक अलगाव वाला पूछा जाता है अपादान, अपादान में कहता है भिन्नता बताई जाती है, सुंदरता बताई जाती है, तो वहां पे क्या होता है, अलगाव आपको महसूस होगा कि नहीं अलगाव हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाता है। भिन्नता तुलना की जाए, सुंदरता बताई जाए, ठीक है, डरे एक दूसरे से डरने वाली बात बताई जाए, तो वहां पे सब क्या हो जाता है, आप बोलेंगे कि अपादान हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके कारक, बहुत कम समय में हमने कारक आपको समझाने की कोशिश किया है, 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे इनको तो बहुत अच्छे से,
कंफर्म हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।